ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त आइसक्रीम बनी है हमारी मैंगो की। ये मैंगो भी आ रहे हैं इसमें, जबरदस्त खुशबू भी आ रही है वनीला एसेंस की, मैंगो की। तो मैं तो खाने जा रहा हूँ ये आइसक्रीम, और आप देखिए वीडियो कितनी आसान है ये बनानी आइसक्रीम। आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की फेवरेट मैंगो की आइसक्रीम। तो देखिए इसके लिए क्या-क्या चाहिए। हैवी व्हिप्ड क्रीम चाहिए, कंडेंस्ड मिल्क चाहिए, और एक ऑप्शनल आइटम है जो कि मैंगो पल्प है, कलर के लिए लिया जाता है। तो आइए देखें कैसे बनता है। सबसे पहले हम अपने ये मैंगो काट लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसको भी काट लेते हैं, अब ऐसे इसके अंदर काट लेंगे, इससे आसानी से मैंगो का पल्प जो है निकल जाता है। ऐसे ही इसमें भी लगा लेते हैं काट। तो हमने ये मैंगो ऐसे काट लिया है, अब हम इसकी प्यूरी बनाते हैं मिक्सी के अंदर। ये गया हमारा मैंगो मिक्सी के अंदर। इसके अंदर हम थोड़ा सा मैंगो का पल्प भी डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, हम डाल रहे हैं, इससे कलर आता है। नहीं तो लोग इसके अंदर येलो कलर डालते हैं, इसके लिए हम कलर ना डालें, इसलिए हम मैंगो पल्प डाल। अब हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। ये पल्प आ गया हमारा सारा, और हमने कुछ मैंगो के पीसेस ऐसे भी काट करके रख लिए हैं। जब हम अपनी आइसक्रीम की पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, उसको बॉक्स में डाल देंगे, तो ऊपर से डालेंगे, ये टेस्टी लगते हैं जब आप आइसक्रीम खाते हैं। ये हमारी हैवी व्हिप्ड क्रीम है, अब हम इसको हैंड मिक्सर के थ्रू थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये गया हमारा कंडेंस्ड मिल्क। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, एक बार इसको हैंड मिक्सर से फिर से मिक्स कर लेंगे। ये गया थोड़ा सा वनीला एसेंस। बस अब हमारा सारा मटेरियल तैयार है, अब हम इसके अंदर अपना मैंगो की प्यूरी डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। देखिए क्या जबरदस्त कलर आ रहा है। नॉर्मली लोग इसमें कलर डालते हैं, मैंगो का पल्प यूज किया है जो कि रेडीमेड आता है, उसके कारण हमारा इसमें ऑटोमेटिकली कलर आ गया। इसमें चीनी भी डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डाला है। तो ये तैयार है, अब हम एक बॉक्स लाते हैं और उसमें इसको जमाने के लिए आइसक्रीम का मटेरियल पोर कर देते हैं। ये गया आइसक्रीम का मटेरियल। तो हमारे ये दो बॉक्सेस बन रहे हैं, ये सेकंड बॉक्स में भी जा रहा है। और अब हम इसके ऊपर से ये मैंगो जो हमने काट करके रखे थे वो थोड़े से डाल देंगे। ये जब मुंह में आते हैं आइसक्रीम के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये हो गई तैयार हमारी आइसक्रीम, इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसको हम फ्रीजर में रख देंगे 5-6 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए, और फिर निकाल। ये जो सेकंड वाला बॉक्स है इसको हम, इसमें हम मैंगो के पीसेस नहीं डाल रहे हैं, इसको हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो अब हमें 5 घंटे हो गए, हम अपनी आइसक्रीम देखते हैं कैसी जमी है। ये देखिए क्या जबरदस्त जमी है, ये देखिए क्या ही जबरदस्त बनी है। इसका अब एक स्कूप निकालते हैं। और एक इसका स्कूप निकालते हैं। तो ये तैयार है हमारी मैंगो आइसक्रीम जो कि मिनटों में बन गई है, और इसको जमाने में 5 घंटे लगे। बच्चों को बेहद पसंद आती है। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।